मिनट हमारे साथ है गुप्ता जी, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ आई विल कम विथ माइक। गुड आफ्टरनून सर। सर पहली बात तो मेरा भाग्य है कि मैंने आपको सुना। पिछले 21 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। एक चीज़ मेरे समझ में अभी जब सुनता हूँ तो समझ में आया, आपने सब अंग्रेज़ों के मतलब जो फॉरेनर्स हैं उनके एग्जाम्पल दिए, तो इंडिया का भी कोई ऐसा सिस्टम होगा। मैंने आपको दिवासों में पहले चुकानी थी, वो तो भारत में 24 साल का अनुभव, गिजू भाई का बिल्कुल भारतीय अनुभव था। अच्छा नहीं, कई सारे किताबों के नाम जो थे जी वो अंग्रेजी किताबों का हिंदी में या मराठी में अनुवाद ऐसा था जी। तो ऐसा कोई एजुकेशनिस्ट होगा इंडिया से जिसके अंग्रेजी में अनुवाद हुए होंगे? देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक किताब है पैरिस ट्रेनिंग, पोपट का ट्रेनिंग, जो बहुत ही मशहूर है। उसकी कहानी बहुत ही सरल है कि एक राजा था, उसके एक बाग था, बाग में बहुत सारे फल लगे हुए थे, और एक बहुत ही ज़िद्दी किस्म का एक पोपट था। तो पोपट जा कर के उसने उधर अपनी चोंच मारी उसमें, तो जितने दरबारी थे, जो मंत्री थे, उन्होंने कहा इसकी इतनी औकात कि राजा के फल के अंदर चोंच मार रहा है, तो उसको पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि बड़े शिक्षाविद थे कि अब इसकी शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत उस समय जेरोक्स मशीन नहीं थी, तो बहुत से लेखाविदों को बुलाया गया, बड़े बड़े शास्त्र वेद उन्होंने कागज़ पे लिखे और उसके टुकड़े कट करके पोपट के मुंह में डालते गए। अंत में वो जारी की एक ही ललक थी, पिंजरे से मुझे बाहर छोड़े, पर वो उसकी शिक्षा करते रहे और अंत में वो बेचारा चला गया। ये उनकी तो बहुत ही मशहूर कहानी है जी। ऐसी कोई किताबें हो जो, जैसे कि अभी 100 साल पहले तक का जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का जी। वो तो जैसे कि आपने एग्जांपल्स दिए वैसे ही था जी। अंग्रेजों के आने के बाद ही ये सिस्टम पूरा चेंज हो गया और हमने उनको अडॉप्ट कर लिया जी। और फिर उन्हीं की किताबें उन्होंने लिखा था, इसलिए उसका हमको ट्रांसलेशन करना पड़ा और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे इंडियन भी कोई किताबें होंगी पहले की, जो 100 साल पहले की बात है, अंग्रेज आने के पहले की, तो उसके बारे में अगर कोई रेफरेंस हो तो वो भी बताइए, क्योंकि हम उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से बच्चों तक वो पहुँचा सकते हैं, जैसे गुरुकुल सिस्टम है या फिर उसके पहले वनों में जाकर पढ़ाई किया करते थे, वो जो चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा आपकी तरफ से हमको गाइडेंस होगा। देखिए, एक मैं और किताब को, ये भी एक हिंदी के बहुत प्रख्यात लेखिका हैं जिनका नाम है शिवानी, हिंदी की सबसे प्रख्यात लेखिका हैं शिवानी और उनकी बड़ी बहन जयंती बहन हैं। इन दोनों के पिता गुजरात में राजकोट में एक राज में पढ़ाते थे। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को शांति निकेतन भेजा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और वो 14 साल वहाँ पढ़ी। जयंती बहन चीनी में एक्सपर्ट थी, शिवानी की बड़ी बहन, और शिवानी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है आमादेर शांति निकेतन, हिंदी में लिखी, वो हिंदी की लेखिका थी। उनके शिक्षक थे वहाँ पर शांति निकेतन में हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी के बहुत जाने माने। उन्होंने उसके प्रेफेस में यह लिखा है कि गुरु गुड़ी रह गया, चेली शक्कर बन गई। उस किताब को पढ़ करके शांति निकेतन का एकदम आपको शब्दों के अंदर चित्र को उकेरना, जिसको कहते हैं ना, वो उन्होंने कराया उस किताब के अंदर। हमने बेहद कोशिश करके उस किताब को मराठी में लाए हम उसको। तो मैं ऐसी चेष्टा आपको सुझाइए कोई अच्छी किताब करेंगे। आखिरी सवाल एक है जो हमेशा मुझे सताता है कि जो प्ले ग्रुप केजी के जो बच्चे रहते हैं 2 साल से लेकर 5 साल तक, उसके बाद तो प्राइमरी एजुकेशन शुरू हो जाता है उनका। सर बड़े बच्चों तक, जैसे कि अभी मैं आईसर स्टूडेंट से या फिर IIT से जो भी है, अगर टीचरों के सैलरी के बारे में सोचा जाए कि जो बुनियाद है, जो बेस बनाता है, फाउंडेशन बनाता है, उसकी बहुत कम है सर। और बाद में जब सियाने होने के बाद जो लोग पढ़ाते हैं उनकी बहुत काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा क्यों? बराबर सिस्टम में ये क्यों है? बिल्कुल, मैं सही सवाल कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं आपको देखिए, इसके बहुत सारे हमारे देश के अंदर शिक्षक को हम बहुत गुरुकुल की बात करते हैं, अपनी बहुत पुरानी परंपराओं की बात करते हैं, और शायद कभी सच रही होंगी, पर अब हालत जो जैसे गुरु जी कह रहे हैं बिल्कुल उल्टी है। अगर आप सत्ता की जो हायरार्की को देखें, व्यवस्था को देखें, कोई चपरासी है, कोई पुलिस थाने में कोई चौकीदार है, उसकी सत्ता एक शिक्षक से कहीं ज़्यादा है। आपने देखी होगी, शिक्षक को 36 रजिस्टर, कोई भी सर्वे हो, गाय गोरु का सर्वे हो, हाँ कोई भी हो, 36 रजिस्टर उसको कराने पड़ते हैं, उसके बाद में भी तनख्वाह इतनी कम है। पर बहुत से देशों के अंदर जहाँ पर उन्होंने वास्तव में,
और ये सब हम लोग बातें करते रहते हैं अपनी प्राचीन परंपरा की, पर हमने जो इज्जत दी है, आदर दी है अपने शिक्षक को, सबसे निचली कमान पे जाके छोड़ दिया है। वो आज भी पढ़ा रहा है इतना बेइज्जत होकर के, इसके लिए हमको उनको सैल्यूट करना चाहिए, बस मैं इतना कह सकता हूँ। जो सर सिलेबस डिजाइन होता है प्राइमरी स्कूल के लिए, तो सालों साल वही चलता आ रहा है, येलो पेजेस ब्लू हो रहे, ब्लू व्हाइट हो रहे। तो आप जैसे जो लोग है जो इस एजुकेशन सिस्टम में चेंज ला सकते, तो ऐसा आगे ये हिसाब से अगर पढ़ाया जाए, आपने जैसा पढ़ा है, किताबें वैसी डिजाइन की जाए एक्टिविटी बेस पे, और अच्छा सा ट्रेनिंग टीचर लोगों को अगर कंपलसरी किया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ा सके। लेकिन वही थ्योरेटिकल, वही मार्क्स, वही ग्रेड, और हर दो महीने बाद, तीन महीने बाद एग्जाम, तो इससे बाहर टीचर निकल ही नहीं सकते। तो आगे फ्यूचर के लिए ऐसे आप जैसे लोग अगर सामने आए तो बदल सकता है, और टीचर कुछ भी काम करने के लिए कभी भी तैयार है अच्छी बात करने के लिए, और अच्छे अच्छे टीचर्स है, तो उनके सहयोग से अगर आप करें तो अच्छी बात रहेगी। नहीं सर, आपने बिल्कुल ये सही फरमाया कि, पर देखिए इतना है कि NCERT जो है एक 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 शिक्षक का और बच्चों के बीच में एक बहुत ही, जिसको कहते हैं सेक्रेट बॉन्ड होता है, उनके बीच में बहुत ही एक बहुत करीबी का रिश्ता होता है। अभी कोई भी मुक्त शिक्षक है तो NCERT है, SCERT आपको एक गाइडलाइंस देता है, हा? आपको उनके साथ एकदम चिपक के नहीं रखना चाहिए। कोई शिक्षक को बहुत छूट है आप क्या पद्धति इस्तेमाल करते हैं, है? आप उनको अगर नतीजे देते हैं और अगर इस तरह की पद्धति से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो मैं आपसे यकीनन कह सकता हूँ, ये मेरा बहुत बहुत साल का अनुभव है, कि नतीजे भी अच्छे आते हैं। ना केवल बच्चों का दिमाग खुलता है, उनका रुचि बढ़ती है, अगर रुचि बढ़ गई वो सेल्फ लर्नर बन गए, हैं? हमारा काम उनको उनके पाए पे खड़े करना है कि वो खुद स्वशिक्षण कर सकें। ये हमने कर दिया तो हमारा काम वहाँ पर हासिल हो गया। और हम तो 40 साल बता रहे, NCERT साथ 200 फिल्में बनाया, जितना भी कर सकते थे NCERT के साथ। अब वो हमारी कोई गैर संस्था नहीं है, हमारी सरकार ने वो संस्था बनाई है, उसको हमको सुदृढ़ करने के लिए। एक आज से 5 साल पहले एक MHRD और NCERT ने मिलकर के एक वेबसाइट शुरू करी, जिसका नाम है NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। उनका कल्पना था कि बहुत सारी किताबें, अच्छी किताबें, लाइब्रेरी चीज़ें एक नेशनल रिपोजिटरी में डालेंगे जिसको शिक्षक इस्तेमाल कर सकें। आप यकीन मानिए, हमारी 750 फिल्में उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डालनी, किसी और ने कंट्रीब्यूट नहीं करा इतना, हा? क्योंकि हर एक में क्रिएटिव कॉमन की सील है। ये तो हमारे, हम तो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने शिक्षकों, अपने राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, NCERT के लिए क्यों नहीं करेंगे? हम जरूर करेंगे। जहाँ कहीं भी हमारा ये हक है, प्रजातंत्र में हक है कि जहाँ सरकार गलती करे उसको उसको बताना कि तुम गलती कर रहे हो। एक अच्छा काम और करा है सरकार ने, वो मैं आपसे उसका जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले एक स्लोगन दिया था, मेक इन इंडिया, बहुत अच्छा स्लोगन था अंग्रेजों के बाद, कि भारत में निर्माण करो चीज़ों का। बहुत जल्दी समझ में आए कहीं पर, ये 70 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि कभी भी ये मेक इन इंडिया ये स्लोगन कोरा रह जाएगा, एकदम थोथा रह जाएगा। जब तक बच्चा स्कूलों में अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे, स्कूलों में निर्माण नहीं करेंगे, तो बाद में कैसे निर्माण करेंगे? 2 बरस पहले सरकार ने थोड़ा कोर्स करेक्शन करा अपना, उन्होंने एक शुरू करा है स्कीम जिसका नाम है अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के ऊपर अटल टिंकरिंग लैब्स। अभी मैथ्स लैब है वो करिकुलम से रिलेटेड है, फिजिक्स का लैब है, बायोलॉजी लैब है, ये सब करिकुलम से रिलेटेड है। ये कोई करिकुलम नहीं है इसमें। हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ सृजनता होती है, कुछ क्रिएटिविटी होती है, कि आप भंगार लाओ इधर क्रिएट करो। सरकार 10 लाख रुपये एक स्कूल को दे रही है अटल टिंकरिंग लैब के लिए, 10 लाख रुपये रिकरिंग एक्सपेंस 3 साल के लिए दे रही है। बहुत पहले साल में 750, पिछले साल 1500 स्कूलों को दिया है। प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, किसी को भी देने को तैयार है, अच्छा स्कूल होना चाहिए। तो ये अच्छे काम के सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, गलत काम के लिए उनको नकारना चाहिए। हमारी सरकार है, हमने ही चुन के लाए। सर अभी कक्षा 8 तक पहले एग्जाम नहीं थी, और अभी गवर्नमेंट बोले कि पहले 2 वर्ग जो है, एक पहला और दूसरा वर्ग, उसमें होमवर्क भी नहीं होना चाहिए। तो आप इसको किस तरह नज़रे से देखते हैं, और होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और होना चाहिए होमवर्क तो किस तरह का होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, एक तो बहुत, एक हमारे यहाँ जो है ये, जब तक देखिए, 2 यहाँ पे देश के अंदर प्रमुख परीक्षाएं हैं, एक नीट की और एक JEE IIT की। ये 2 प्रमुख परीक्षाएं किसी भी
होशियार बच्चे के लिए, या तो मेडिकल में चला जाऊँ या किसी IIT में चला जाऊँ। इनमें पहली बात तो, क्योंकि लाखों बच्चे बैठते हैं, कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप ले नहीं सकते, कोई प्रैक्टिकल ले नहीं सकते आप, संभव ही नहीं है लाखों बच्चों के लिए। तो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप चार में से एक पर टिक लगा दो, ये आपकी परीक्षा है। और इसको प्रणाली को बहुत सारे देशों में, विदेश में, जो बच्चे को किसी भी मेडिकल स्कूल में अगर जाना होता है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्या क्या प्रोजेक्ट करे, क्या क्या नंबर मिले, उस सब का 50% उसका वेटेज होता है। इस सब को आपने हकार दिया बिल्कुल, सिर्फ एक जो जिसकी औकात हो कि आकाश कोचिंग में जाने की, ये उसको फला कोचिंग में जाने की, उसके लिए आपने उसको खुला छोड़ दिया। गरीब तो जा ही नहीं सकता वहां पर, हा? पर अगर आप ये उसके 4-5 साल का क्या प्रोजेक्ट करें, उसके कैसे नंबर आए, उसको भी एक पूरा वेटेज दो, 50% इस परीक्षा को दो, तो वो शायद ज्यादा होलिस्टिक परीक्षा होगी। पर इसमें जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके निहित स्वार्थ हैं कि भाई हमारे तो औकात है, हम फिजी में अपने बच्चे को भेज सकते हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। आप लड़िए इसके लिए, मैं भी आपके साथ हूँ। गुड आफ्टरनून सर। सर माय क्वेश्चन हियर इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग वेरी मच प्रिविलेज टू टॉक विथ यू। सर माय क्वेश्चन इज लाइक सपोज द स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, द थिंग विच एवर थिंग यू वॉन्ट टू टच, इट मे बी अ चॉक, इट मे बी अ डस्टर, वट एवर द बेसिक थिंग, हाउ वी कैन स्टार्ट अ रिसर्च वर्क ऑन दैट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट विच ही टचेस। So, how to start? What should be a criteria that we should start the research work from these things? I think you have a very, very valid question. And I think that is, you must start, right? एक तो बच्चे, जो बच्चा सवाल उठाए, बच्चे की जिसमें रुचि हो, और जो बच्चे को चीज़ें उपलब्ध हों, अगर उनको इस्तेमाल करके हम कोई रिसर्च करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, विक्रम साराभाई का नाम मैंने इसका उल्लेख करा। सबसे पहला इस देश के अंदर साइंस सेंटर 1962 में अहमदाबाद में विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर, जिसको सर सीवी रमन, भारत के नोबेल लॉरेट, उन्होंने उसका उद्घाटन करा। और वहां पर एक स्पीच थी वाइस स्काई ब्लू, आकाश नीला क्यों होता है, ये उनका बहुत ही मशहूर एक उनका स्पीच है जो उसको दी उन्होंने। जब शुरू के अंदर होते हैं बहुत क्रिएटिव सेंटर, उन्होंने एक क्रिएटिविटी की, उन्होंने क्या करा, माचिस, हर बच्चे को माचिस उपलब्ध है, हा? अब माचिस नहीं होगी तो घर में चूल्हा कैसे जलाओगे, तो माचिस उपलब्ध है। एक 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 ही ब्रांड की माचिस लेना, सबका एक साइज का। सवाल क्या था, इस माचिस में तुम कितनी अलग अलग छोटी चीजें, हर एक का एक सैंपल, बस वन स्पेसिमेन ऑफ ईच माचिस में भर सकते हो, एक हफ्ते का समय। उससे बच्चों ने छोटी छोटी चीजों को थोड़ा गौर से देखना शुरू करा। माँ के किचन में गए, उधर मोरी है, एक राई का दाना है, एक जीरा भी चला जाएगा, एक मिर्ची का बीज भी चला जाएगा, एक छोटा सा धागे का छोटा सा स्लाइवर भी चला जाएगा। एक बच्चे ने 250 चीजें एक माचिस के अंदर भरी, जीरो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट है। पर कितना कुछ बच्चों को देखना पड़ा, माइक्रो, तब तक नैनो टेक्नोलॉजी नाम का कोई शब्द नहीं था 30 साल पहले, पर एक सुंदर सुंदर सा प्रयोग है कि बच्चे, सरल सी चीज है, कुछ पैसे का खेल नहीं है, पर एक दर्शन है कि बच्चे छोटी छोटी चीजों को बारीकी से देखें। विज्ञान का मतलब यही है कि बारीकी से जांचना परखना हर चीज को, ये विज्ञान का ही मर्म है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्कार। प्राइमरी स्कूल से लेकर 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा तक कृतियुक्त एक्टिविटी बेस, रचना बेस पद्धति से हमें पढ़ाना है, और फिर 11वीं 12वीं के जब NCERT का जो पढ़ाई है वो बहुत कठिन लगती है बच्चों के लिए, तो इनका समन्वय बच्चे कैसे निकाले, ये जो 8-10 साल से चल रहा है उसका अभी तो कुछ समन्वय नहीं हो रहा है, बहुत सुंदर, तो इसके बारे में जी। नहीं, मैं सब आपका प्रश्न समझा। ये बहुत, देखिए बहुत सारे जो प्रगतिशील स्कूल हैं देश में आज, प्रगतिशील स्कूल की बात कर रहा हूँ, 8वीं तक कोई परीक्षा नहीं लेते, कोई परीक्षा नहीं लेते 8वीं तक, बच्चों को एकदम रोचक चीजें करने के लिए देते हैं 8वीं तक। तब तक बच्चे बहुत अपने सेल्फ लर्नर बन जाते हैं, पांव पे खड़े हो जाते हैं। समरिल का मैंने आपको उदाहरण दिया, समरिल में तो कोई परीक्षा ही नहीं होती है, पर बच्चों को मालूम है अगर हमें गणित में PhD करनी है तो वील हैव टू क्रैक देयर बोर्ड एग्जाम, तो बच्चों में ललक होती है। कुछ वहां से गजब के मैथमेटिशियन निकले समरिल से, जहां पर कोई परीक्षा नहीं होती, पर उन्होंने सेल्फ लर्नर बना दिया उनको। तो 8वीं तक आप कोई परीक्षा मत लीजिए, पर बच्चों को शिक्षा के अंदर रुचि, वो बच्चे अपनी रुचि को पहचाने, और
एक बार उन्होंने मन बना लिया कि हमको मेडिसिन में जाना है, तो वो उसके लिए और ये व्यवस्था है बाहर, इसको ना मेरा स्कूल बदल सकता ना मेरे बाबा बदल सकते, उसके लिए श्रम करेंगे एंड दे विल एक्सेल ऑल्सो इन दैट। पर आठवीं तक, और हमने अपने सेंटर में देखा कि आठवीं के बाद हमारे सेंटर में कोई बच्चे, ये समाज हमसे हमारे बच्चों को छीन लेता है। जब तक बच्चे चौथी पांचवी में है, छठी सातवीं में है, माँ बाप सोचते हैं चलो अभी तो बोर्ड बहुत, आईआईटी परीक्षा है, नीट परीक्षा बहुत दूर है, इनको खेलने तो हमारे सेंटर में आने देते हैं। आठवीं के बाद तो समाज ही हमसे छीन लेता है कि अब चार्टर क्लास में जाओ, फला क्लास में, एम प्रकाश क्लास में जाओ, उसमें जाओ, ऐसे करते रहते हैं। पर ये हमारे पास 6-7 साल का बड़ा सुंदर गोल्डन विंडो है जहाँ बच्चों को एक अच्छा विज्ञान क्या है, अच्छा ज्ञान क्या है, उसको चखा तो सकते हैं बस। बहुत से लोग वो भी नहीं करते। हेलो सर। यस सर, हम जूनियर कॉलेज तक स्टेट बोर्ड की पढ़ाई करते हैं एंड देन सडनली नीट एंड ऑल इसके लिए एनसीईआरटी की करनी पड़ती है। सो सर, हाउ कुड वी फेस दैट? देखिए, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि एक तो मैं किताबों के बारे में कहना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की किताबें, मेरे मित्र कृष्ण कुमार एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे 5 साल, दुनिया के जाने माने शिक्षाविदों में, वो कहीं पर भी हो सकते थे, ऑक्सफोर्ड में हो सकते थे, सबॉर्न में हो सकते, कैम्ब्रिज में हो सकते थे, वो बहुत जहीन इंसान थे। मैं उनको पहली बार पूना में 78 में मिला था जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में वो आए थे, जेपी नायक के साथ काम, पीएचडी करी कनाडा से और पूना आए क्योंकि पूना में जेपी नायक तब जिंदा थे, सबसे महान शिक्षाविद, उनके साथ काम करने के लिए पूना आ गए। तो वहाँ उन्होंने ये कहा जब एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने, लाखों करोड़ों बच्चे अपने जीवन में केवल पाठ्यपुस्तक ही पढ़ेंगे, उनके पास ना कहानी किताबें उपलब्ध होंगी ना कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल उपलब्ध होगा। और मेरा काम, एक छोटा सा काम ये है कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाना। आप यकीन मनाइए, जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था तो 21 कमेटियां बनाई उसकी, आपने माधव गाडगिल जी का नाम सुना होगा, पूना के डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डी आर गाडगिल के बेटे, जो स्कूल ऑफ इकोलॉजिकल साइंसेज जिन्होंने शुरू करा आईएससी बैंगलोर में, हमारे पूना के, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द इन्वायरमेंटल एजुकेशन कमेटी, आई वॉज पार्ट ऑफ हिज टीम। इसी तरह से जो सबसे दिग्गज लोग थे देश में, उन्होंने कहा इस देश की सबसे बड़ी ऊर्जा सृजना को हमको एनसीईआरटी किताबों में, सबसे अच्छे आर्टिस्ट को, क्योंकि वही कागज लगेगा, वही प्रिंटिंग होगी, वही छपाई होगी। आई कैन टेल यू दैट द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स दे गिव द प्राइवेट सेक्टर अ रन फॉर द मनी, दे आर मच बेटर देन द प्राइवेट सेक्टर। ये जो कचरा प्राइवेट सेक्टर किताबें छापते हैं उनका सिर्फ एक, मैं दिल्ली में था, मैंने एक स्कूल में था, प्रिंसिपल ने मुझे बताया, देखिए प्रकाशक बड़े में, मैडम हमारी 5 किताबें लगा ली है, मारुति खड़ी है आपके लिए, दिस इज हाउ द मेनी ऑफ द पब्लिशर्स वर्क, राइट? बट द एनसीईआरटी बुक्स आर फार सुपीरियर टू दिस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ वन पर्सन। मैं ज्यादा कुछ नहीं, टीचर ट्रेनिंग में आप एनसीईआरटी एक जो कहते हैं ना कि बुझी हुई मोमबत्ती है, मोमबत्ती को खुद जलना चाहिए दूसरी मोमबत्ती को जलाने के लिए, बट एनसीईआरटी इज एक्सटिंग्विश्ड कैंडल, इट कांट लाइट एनी अदर कैंडल। तो टीचर ट्रेनिंग में वो जीरो कर सकते हैं, पर ही कुड प्रोड्यूस वेरी गुड बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स आर। और उसके अभी नई सरकार आ गई, भाजपा की सरकार आई, उन्होंने भी, दे हैव नॉट टच द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एज येट, थोड़ा कुछ लाएंगे अपना पुट, बट दे आर ऑन वेरियस साइट्स, आप एनसीईआरटी की सारी किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सुंदर काम है। सर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। यस सर, और जूनियर कॉलेज तक हम पूरी थियोरेटिकल पढ़ाई करते हैं, नॉट प्रैक्टिकल, और हमें वेल नॉलेज होना है और नॉट वेल ट्रेंड, सो आप क्या? आई थिंक यू मस्ट सी, एक तो पहली बात तो किसी ने कह गया था, अगर मार्क ट्वेन का नाम सुना होगा आपने, मार्क ट्वेन टॉम सॉयर के लेखक, उन्होंने 150 साल पहले कहा था, डू नॉट लेट स्कूल्स इंटरफियर विथ योर एजुकेशन, स्कूल को आड़े मत आने दो अपनी शिक्षा के अंदर, यार तुम्हारी जिंदगी स्कूल से ज्यादा है, मैं टीचर की प्रिंसिपल की तुम्हारी जिंदगी में कोई स्टेक नहीं है। स्कूल का इस्तेमाल, जो समझदार लोग होते हैं वो स्कूल का इस्तेमाल करते हैं पर अपनी लाइन खुद तय करते हैं कि हमें क्या करना है। सो डू नॉट लेट स्कूल्स इंटरफियर, स्कूल जाओ, स्कूल में दोस्त मिलते हैं, खूब बातचीत करते हैं, मस्ती करते हैं, इसके लिए स्कूल जाओ, पर अपनी पढ़ाई खुद करो, क्या करना है। पेरेंट्स को चुनौती दो यार। नहीं भैया, देखो एक आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, और आपको अच्छा कोई नया काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो बहुत से लोग को वो अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत क्रांतिकारी कदम लगेगा। गिजुभाई ने जो करा था 1920 में, बहुत क्रांतिकारी काम था,
तभी आज हम आज तभी उनको याद करते हैं, वो भी अगर लीक पे चलने वाले होते तो कहीं हाशिए पे चले गए होते। गिजू भाई भी नमस्कार सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी कंपटीशन हो हाँ, तो उसमें 1000 बच्चों पर एक लड़के का सिलेक्शन होता है इंडिया में। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे ये भी चाहते हैं कि हमको बना बनाया चीज़ मिल जाए, बिल्कुल, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, 10th के बाद हो, 12th के बाद हो, बराबर, चाहे जॉब भी हो, बिल्कुल, कंपनी चाहिए उसमें जाकर काम करें और पैसा मिले। लेकिन आप, मेरा प्रश्न ये है कि आप जब मोटर कंपनी छोड़ के शिक्षा जगत में आए तो आपका जो एक साल रहा तो आपको भी परेशानियां रही होंगी बहुत सारी, की जैसे पैसे की प्रॉब्लम, घर की मांग, बिल्कुल जी, तो आपने उस चीज को कैसे एक्सपीरियंस किया, क्या आपका ये कैसे सीखे ताकि हम लोग भी अगर ऐसा फेस करना हो। आपका प्रश्न समझ गया। देखिए, मैं एक तरह से बहुत खुश नसीब था, मेरे माता पिता कभी स्कूल नहीं गए थे, तो उनकी बहुत अपेक्षाएं भी नहीं थी मेरे से, क्योंकि माँ बाप की अपेक्षाएं बिल्कुल एक तलवार जैसे हमारे सिर के ऊपर लटकी रहती हैं, वो बहुत बार की जो वो कहते हैं हम उनके कहने पे हमें चलना पड़ता है। पर मेरे माँ बाप, और मैं जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और मेरे मामा जो थे वो बहुत बहुत ऊँची वो थे, तो बहुत बहुत नाराज़ थे कि अच्छी नौकरी छोड़ रहा है, मेरी माँ को भी बहुत परेशान कर रहे थे। मेरी माँ ने एक लाइन कही थी मेरे से, अच्छा करा तूने नौकरी छोड़ी, अब कुछ नेक काम करेगा। और मैं मुझे 30 साल उसकी एक लाइन नहीं मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद था ये उनकी, बहुत है, वो अच्छा करा नौकरी छोड़ी, अब तो कुछ नेक काम करेगा। नमस्ते सर, मेरा एक सवाल है जी, साइंस और मैथ्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो मदर टंग में लेना चाहिए या इंग्लिश में लेना चाहिए, आपका क्या? नहीं, मैं मुझे लगता देखिए, मदर टंग जितने भी शिक्षाविद हैं दुनिया के वो कहते हैं कि आप मदर टंग, बिल्कुल मदर टंग अहम है बच्चे की। विज्ञान तो बहुत ही सिद्धांतिक है, बच्चे तो बहुत से बच्चे हमारे मराठी भी अच्छी नहीं जानते, उसके बाद में आप सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, उन्हें गहरे सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, वो तो उनके बिल्कुल ही बम पर जाते हैं। अंग्रेजी में पढ़ाएंगे तो एकदम ही एकदम वॉली हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप अपनी मातृभाषा में पढ़ें हैं? और देखिए, अंग्रेजी को आप, अंग्रेजी एक लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारी संभावना आपके लिए खोलती है, दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया खोलती है, हैं? तो आप अपनी मेरे घर में हम हिंदी पढ़ते थे, अंग्रेजी स्कूल में गए तो अंग्रेजी सीख गए, हैं? तो अंग्रेजी को भी हमने बहुत, एक BGBS के लिए 100 किताबें करी, उसमें 40 बाइलिंगुअल हैं, हिंदी में किताबें पर अंग्रेजी में भी है। बाइलिंगुअल किताबों का बहुत स्कोप होना चाहिए इस देश के अंदर कि हमारे बच्चे मराठी पढ़ें, मराठी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखें, क्योंकि अंग्रेजी एक लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारी बाई जो है अपने बच्चे को एक प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजती है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो इस व्यवस्था के अंदर थोड़ी अंग्रेजी बोल पाते हैं उनकी ये सत्ता के अंदर पैंट है, वो समझती है बहुत अच्छे तरह से, राइट? हम उसको नहीं समझा सकते कि आप मराठी माध्यम के स्कूल में भेजो, हा? पर तो अंग्रेजी को भी हमें जितनी भाषाएं उनका आलिंगन करना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है अगर बच्चे बचपन में 4-5 भाषाएं सीख जाते हैं तो बाकी भाषाएं एकदम आसानी से और समझ में आती हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नो टू दिस वी मस्ट एम्ब्रेस मोर। नमस्कार। हाँ सर, आपने जो भी आज तक जो भी प्रयोग किए हैं, जी जी जी, जितनी सारी जो कुछ एक्टिविटीज है, हाँ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग्स है, ये जो है आपकी जो कल्पना है जी, और जो भी ये सारी एक्टिविटी है, सारी की सारी एक्टिविटी अगर ग्रास रूट पर जाए और ग्रास रूट पे जो काम कर रहे हैं शिक्षक और विद्यार्थी जो है जी, इनके पास अगर पहुंचे तो ये बहुत सारी उपलब्धि होगी। इसके लिए आपके भविष्य में आपके प्रयास होने चाहिए, गवर्नमेंट के साथ कुछ तो भी टाइप होना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू कुछ तो भी ये लास्ट बेंच के जो स्टूडेंट है उनके पास ये पहुँचने के लिए आपके प्रयास होने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और आपकी जो कुछ इतनी भी उम्र है और आपका सारा का सारा और आपकी तबीयत भी हमें ऐसी जानकारी लगती है कि कुछ तो भी नरम गरम है, तो भी आप हमारे पास आए और ये सारे स्कूलों के टीचर्स है, हेडमास्टर है, इनको पहुँचाए, उसके लिए आपको मैं सारे सलाम करता हूँ सर, धन्यवाद। सर नमस्ते, मैं हुकुमचंद माने अमरावती से आया हूँ और हमारी एक 10 टीचर भी अलग अलग स्कूलों से इधर आए हैं। तो ये जितना भी वर्क अभी चल रहा है तो हमारी ऐसी इच्छा है कि अमरावती में बहुत सा ग्रामीण एरिया ऐसा है जहाँ पे एजुकेशन इस तरीके से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए अगर हम आपका वर्कशॉप प्लान करते हैं तो क्या आप
आ सकते हैं हमारे लिए? देखिए मैं बहुत सारे स्कूलों में गया, मैं 3000 स्कूलों में, सारी जिंदगी मेरे बाल इसी में उड़े 3000 स्कूल में जाते जाते अब मैं रिटायर 3 साल पहले रिटायर हो गया है, अपनी बेटी के साथ में चेन्नई में रहता हूँ और एक मेरा एक बेटी का बेटा है उसकी देखभाल करता हूँ, तो मेरे लिए ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है, पर मैं जो कुछ मेरे उसको मैं 14 बरस नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड पे ऊपर था, एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर, और हिंदी मेरी ज़ुबान है, 5 बड़े राज्यों में हिंदी बोली जाती है, करीब 50 करोड़ 500 मिलियन दुनिया में हिंदी भाषी हैं। मैंने एक हिंदी की बड़ी गरीबी देखी है, बहुत करीबी से देखी है कि हिंदी में बहुत कम, इतनी ज़्यादा आधा यूरोप जितना हिंदी भाषी हैं पर उनके लिए बहुत कम सामग्री है। तो मैं जितना मेरा समय है मैं 452वीं किताब पे हूँ हिंदी में, हाँ बच्चों की किताबें अनुवाद करना और नेट पे डालनी, मैं रहा नहीं रहा, कोई पढ़े ना पढ़े मैं ये भी नहीं देखता, पर मुझे लगता है ये जीवनदायी कार्य है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे करना चाहिए और मैं करता रहूँगा बस। हेलो सर, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ एक्चुअली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद आपको, मतलब मेरे फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली साइंस और मैथमेटिक्स में जो होता है कि हाउ टू अराइज गुड क्वेश्चंस, हाँ बिकॉज क्वेश्चंस आर द बेसिक्स ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो मैं मतलब ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो लोग तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते जा रहे हैं ना तो उनका क्वेश्चनिंग के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट आ जाता है, तो हाउ टू गेट अवे दिस कॉन्स्ट्रेंट टाइप ऑफ थिंग्स। बहुत देखिए आपके बहुत ये जितने भी दुनिया के अंदर शोध हुए हैं उसने सब में यही दिखाया है कि ये स्कूल ऐसी व्यवस्था है, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं है? तब उनकी आंख में एक गजब की चमक होती है, पर ये स्कूल उस चमक को डस लेता है, खा जाता है, है? सब अगर आप पूछे कि अगर ये पेंसिल है मेरे जेब में पेंसिल है, इस पेंसिल के कितने इस्तेमाल है, ये किसी ने ये बहुत बड़ा प्रयोग करा था। आपको जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं प्राइमरी के नर्सरी के बच्चे हैं वो आपको 150 प्रयोग सुझा देंगे बगैर झिझक के, जैसे आप बड़े क्लास में जाते जाते हैं ये संख्या बहुत कम होती जाती है, ने? क्योंकि ये पूरी व्यवस्था ऐसी है कि हमको एक ढर्रे पे ले जाती है। पहले तो प्रश्न पूछना हमारे यहाँ कि क्योंकि हमारे यहाँ गुरु को प्रश्न पूछना एक पाप माना जाता था हमारी परंपरा में, प्लीज ये आप ना भूलिए, ये हम परंपरा के हिस्सा है कि गुरु को हाउ कैन यू क्वेश्चन अ गुरु, राइट? इसको तोड़ना, विज्ञान में कोई बड़े बड़े छदमी हुए हैं, आपने देखा कितने कितने बहुत बाबा बाजार बहुत गर्म है, है? ये भी आपने देखा होगा, तो पर कितने छदमी बाबा हुए है? तो गुरु की हमारे यहाँ बहुत मान्यता है कि गुरु को प्रश्न नहीं पूछना, है? ये भी इसके बहुत आड़े आती है हमारी भारतीय परंपरा में, सब चीजें स्वस्थ नहीं है हमारी परंपरा के अंदर, उन पुरानी जो गलत परंपराएं उनको तोड़ना भी है, और ये प्रश्न पूछने की तो एक प्रजातंत्र के अंदर सबसे स्वस्थ परंपरा है कि राजा नंगा है ये कोई कह सके, ये बच्चा ही कह सकता, बड़ा नहीं कह सकता। मेरा क्वेश्चन है कि बच्चा जब छोटा होता है तब उसे लगता है कि हाँ मुझे पायलट बनना है, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तब बनता है, बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर बोलता है मुझे टीचर बनना है, फिर 11th 12th होने के बाद अरे नहीं नहीं सिर्फ 5-10 हज़ार की नौकरी मिल जाए तो मेरे लिए काफ़ी है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? और वैसे बच्चों के लिए मतलब क्या हम मोटिवेट कर सकते हैं हमारी तरफ से? नहीं ये तो देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चे छोटे होते हैं, मैं भी जब बचपन में था सबसे पहले इंजन ड्राइवर, क्योंकि इंजन ड्राइवर एक उस समय भाप का स्टीम का इंजन होता था मेरे बचपन के अंदर, तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति पायलट तब नहीं होते थे हमारे साथ इतने नहीं होते थे, पर स्टीम का इंजन ड्राइवर बनना ये मेरा भी सपना था। बाद में मैंने सोचा कि मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर बनना चाहता था, सच में प्राइमरी स्कूल टीचर जीवन का बहुत था, पर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, मुझे अच्छा हुआ कि मैं एक अगर टीचर बनता शायद एक ही स्कूल में रह जाता, हाँ बहुत लोग तक नहीं पहुंच पाता, हाँ पर बाद में जब बड़े होते हैं एक बड़ी व्यवस्था दिखाई देती है, और ये भी दिखाई देता है कि हमारा इस बड़ी व्यवस्था के अंदर छोटा सा रोल क्या हो सकता है, हम आजीविका कमा करके अपना पेट भर के किस तरह से एक समाज के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाँ और ये मेरे ख्याल से मुझे लगा जिस व्यवस्था जिसमें मैं हूँ, मुझे जब आयुका में बुलाया गया तो मैंने सबसे पहले नारेकर साहब से कहा कि देखिए मैंने आज तक नौकरी नहीं करी, मैं सड़क पर रहा हूँ, फ्रीलांस कर रहा हूँ, अब 50 साल की उम्र में आप कह रहे हैं कि एक सरकारी नौकरी मुझे दे रहे, तौबा तौबा, आप अपनी नौकरी अपने पास रखिए, मैंने उनसे ये कहा मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ जो कुछ कर रहा हूँ, अपनी मर्जी का काम कर रहा हूँ, कोई मेरा बॉस नहीं है, उन्होंने कहा देखो ये साइंस सेंटर बना नहीं है अभी, तुम इसको सरकारी एकदम मत समझो,
जाओ तो 6 महीने के लिए करके देखो तुम्हें कैसा लगता है। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो 11 साल मैंने जो अयुका में बिताए वो बहुत सुंदर साल थे। तब हम इतना कुछ डॉक्यूमेंट कर सके। रोज़ मेरी वेबसाइट से 12,000 किताबें डाउनलोड होती हैं। कोई प्रकाशक नहीं है पूरे अक्खा पूना में जो 12,000 किताबें रोज़ बेचता हो। मैं मुफ्त में बांटता। इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। बस हेलो सर, माय क्वेश्चन इज टीचर टीचर्स दैट द साइंस इज टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द आंसर। सो व्हाट इज द मैथ इन योर विजन बिकॉज द स्टूडेंट्स अफ्रेड फ्रॉम द मैथ। देखिए मैंने आपको कुछ एक मैथ्स की तभी एक मैथ्स की एक्टिविटी लेके झलकी दिखाई। मैथ्स तो एक दुनिया का मैथ्स द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। मैथ्स तो क्वीन है इसकी। और मैथ्स के अंदर क्रम देख पाना और बच्चों को हम जिस बेहुदा तरीके से गणित पढ़ाते हैं उससे बच्चों में नफरत पैदा हो जाती है। ताजिंती गणित न कुछ है? तो ये हमारी कहीं खोट है? बच्चे की खोट नहीं है। प्लीज़ ये बच्चे की खोट नहीं है। हम बच्चों को इतना रटवाते हैं। अब लोग कहते हैं कि देखो इनको 20 तक का पहाड़ा भी नहीं याद है, है? पहाड़े टेबल्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे 193 का पहाड़ा बताइए। आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है ना। तो ये जानना ज़रूरी नहीं है, है? टू फिगर आउट थिंग्स इन अ डे ऑफ कंप्यूटर्स एंड कैलकुलेटर्स। इस दिमाग को इतना बोझिल करना ज़रूरी नहीं है। पर उसके पीछे का एल्गोरिथम क्या है, उसके पीछे की तर्क क्या है, उसका उद्गम क्या है, है? उसके पीछे क्या नमूना है, ये समझना। ये विज्ञान और गणित दोनों का मर्म है। वो विज्ञान में भी लागू होता है, गणित में भी लागू होता है। बच्चों को आप ये पी के श्रीनिवासन के जो 60 लेख हैं हिंदू के लिए वो आंखें खुल जाती हैं। हम बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच सर। आई फील दैट दिस डिस्कशन शुड गो ऑन एंड ऑन। ऐसा लगता है आपसे जो मौका थोड़ा भी हमें मिल रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लाभ ले सके, पर कहीं तो भी हमको एंड करना पड़ेगा। सर योर सेशन वॉज जस्ट लाइक अ ब्लॉकबस्टर मूवी व्हाट आई फील, बिकॉज इतने सारे लोग आपके सेशन के लिए आए हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ and discussing this with us. Now I call upon Dr. Apurva Barve, the Center Coordinator of Center for Excellence in Science and Maths Education, to give a vote of thanks. I am actually so overwhelmed, I have no words. Thank you so much. Bahut bahut acha laga aapko sunke. And like she said, houseful tha, bilkul. So I would just like to say thank you to, of course, Gupta ji, jo aapne hamara invitation accept karke aap yahan pe aaye. And to all of the people who are here, in particular, the teachers who have come to attend the workshop that we have organized in association with SAKAR. And also, we have students here from all different parts of Maharashtra. Bachiyan hain, jo Vigyan Jyoti naam ke karyakram ke tahat humare paas aayi hain, Maharashtra ke alag-alag zilon se. Aapki unse baad mein bhi thodi zyada mulaqat hogi. So they are also here, so thanks to them as well. And also to all the people who have come from within and outside ISER. Thank you so much for your overwhelming response. Aap aise hi response dete rahiye, hum aise hi karyakram aayojit karte jayenge. Thank you so much.